हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल सिंपल रेसिपी विद सीमा में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी कढ़ाई पनीर की सब्जी। चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए सबसे पहले एक फ्राई पैन में हम लेंगे बटर। हमने इसके लिए 300 ग्राम पनीर लिया है। ये मैंने बड़ी बड़ी स्लाइस में काटा है। आप अपने अनुसार इसको काट सकते हैं। अब मैं इसको सेल्लो फ्राई करूँगी। मैंने 5 मिनट पनीर को अलट पलट करके अच्छा से सेलो फ्राई कर लिया है। पैन में मैं थोड़ा सा बटर और डालूंगी और मैंने एक शिमला मिर्च ली है, बड़ी साइज में मैंने उसे काटी है। ये भी मैं हल्की सी फ्राई कर लूंगी। शिमला मिर्च भी मैंने अच्छा से सेलो फ्राई कर ली है। इसकी ग्रेवी, ये भी मैंने 5 मिनट अल्टी पल्टी करके फ्राई करी। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक का और 5-6 काजू की पीस। उसका मैंने एक बारीक पेस्ट बना लिया है। मैं इसी की ग्रेवी बनाऊँगी। इसमें हम डालेंगे हमारे मसाले। मसाले में नमक मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है, आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। मिर्च, लाल मिर्ची पाउडर, आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप ये भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। ये पेस्ट हम अच्छा से पकाएंगे। मैंने ये ग्रेवी 5 मिनट हाई फ्लेम में पकाई है। इसमें अब तेल निकलने लग गया, इसका मतलब ये ग्रेवी पक चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 3/4 चम्मच पानी इसमें डाला है। येलो फ्राई कैप्सिकम डाल दूंगी। और इसे मैं 2-3 मिनट थोड़ी सी पका लूंगी। इसमें डाल रही हूँ सेलो फ्राई पनीर। ये पनीर हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो हमारे पनीर फूट जाएंगे। काफ़ी सॉफ्ट पनीर है। हमारी सब्जी रेडी है सर्व के लिए। पनीर की सब्जी रेडी है सर्व के लिए। देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है। बिना प्याज लहसुन भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। आप इसको रोटी, पराठा, राइस किसी के साथ भी खाइए, ये खाने में बहुत अच्छी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी ही मिलूँगी अपनी अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।